वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं ननकोल का जो आपका थर्ड ईयर का जो सिलेबस है, जिसमें कि आपको ननकोल का जो सब्जेक्ट है ना, उसका यूनिट 6 में आपका बोरिंग के बारे में आपको पढ़ना है। तो बेसिकली आज हम लोग बोरिंग एंड ड्रिलिंग के चैप्टर को ही आज हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग बेसिकली डील करेंगे, समझेंगे कि हमारा बोरिंग कहते किसको है, क्या पर्पज़ है बोरिंग करने का, और बोरिंग का कितना टाइप्स होता है। जनरली आप लोग जानते होंगे कि ड्रिलिंग या फिर आप लोग कह लो बोरिंग, दोनों कहने का मतलब एक ही है। तो ड्रिलिंग आपका बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका परकसिव ड्रिलिंग, दूसरा होता है रोटरी ड्रिलिंग। तो इन दोनों ड्रिलिंग्स में क्या डिफरेंस है, कैसे इसका प्रोसेस हम लोग करते हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। मेक श्योर, यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। सबसे पहला हम लोग समझते हैं कि ये जो बोरिंग है उसका डेफिनेशन क्या होता है, बोरिंग से हम लोग समझते क्या है। तो देखिए, बोरिंग एक ऐसा प्रोसेस है ना, जिस प्रोसेस में हम लोग सिलेंड्रिकल होल बनाते हैं इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की में हम लोग क्या करते हैं कि सिलेंड्रिकल होल्स क्रिएट करते हैं। तो वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग सिलेंड्रिकल होल्स क्रिएट कर रहे हैं इन द अर्थ सरफेस, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग बेसिकली ड्रिलिंग या फिर सिंपली आप लोग बोरिंग के नाम से जानते हो। देखिए, यहाँ पे जो भी बोरिंग और ड्रिलिंग शब्द आया है ना, उन दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका ये मतलब है कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम लोग सिलेंड्रिकल होल्स करते हैं। कहाँ पर? तो अर्थ क्रस्ट में हम लोग सिलेंड्रिकल होल्स करते हैं, तो उसी को हम लोग सिंपली बोरिंग या फिर ड्रिलिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आता है हम लोग यहाँ पे पर्पस क्या है ड्रिलिंग का। ड्रिलिंग हम लोग माइंस में क्यों करते हैं, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका जो कोल सीम है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, किस ग्रेडियंट का है, कितना उसका थिकनेस है, इन सभी चीज़ों को आपको कहाँ से पता चलेगा। इन सभी चीज़ों को हम लोग को ड्रिलिंग करने से ही पता चलता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा ड्रिलिंग करने का क्या क्या पर्पस हो सकता है। सबसे पहला आता है पर्पस ऑफ ड्रिलिंग में, यहाँ पे देखिए तो लिखा गया है टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल, यानी कि मिनरल्स किसी भी एरिया में है या नहीं है, ये कैसे हमको पता चलेगा। तो जाहिर सी बात है, ड्रिलिंग करने से ही पता चलेगा। तो ड्रिलिंग से हमको ये पता चलता है कि किसी भी एरिया में आपका मिनरल्स है या नहीं है, और वह है तो कितना रिजर्व है उस मिनरल का। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो मिनरल्स है या फिर आप लोग कह लो रॉक, तो रॉक का स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करते हैं, और रॉक का स्ट्रक्चर से स्टडी करने के बाद हमको पता चलता है कि वहाँ का कैसा कंडीशन हुआ होगा रॉक्स का, कैसे उसमें वेदरिंग इरोजन हुआ होगा, बहुत चीज़ें हम लोग को पता चलती है विद द रिस्पेक्ट ऑफ ड्रिलिंग। तो यहाँ पे हम लोग अगर मिनरल का बात करें तो मिनरल में हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उस मिनरल्स का कितना डेप्थ सरफेस से, कितना ग्रेड का मिनरल्स है, कैसा नेचर है उसका, कितना ग्रेडियंट है, कितना थिकनेस है, इन सभी चीज़ों को हम लोग को कहाँ से पता चलता है, तो ड्रिलिंग करने से ही पता चलता है। बेसिकली यहाँ पे भी लिखा गया टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल टू गेट एन आइडिया ऑफ अ रॉक स्ट्रक्चर। रॉक स्ट्रक्चर है जो है आपका रॉक है, उसके बारे में हम लोग को पता चलता है। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि हमारा जो मिनरल बेड है वो उसका थिकनेस कितना है, उसका डेप्थ क्या है, उसका ग्रेडियंट क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको ड्रिलिंग से ही पता चलता है। नेक्स्ट है आपका टू गेट द कोर ऑफ द रॉक फ्रॉम विच बियरिंग प्रेशर ऑफ द ग्राउंड कैन बी फाइंड आउट। यानी कि दोस्तों देखिए क्या होता है ना, कि जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो जिस रॉक में हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं तो वहाँ का कोर हम लोग को ऑब्टेन करते हैं, और उस कोर को ही हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं, लैब में ले जाके उस कोर का स्टडी होता है। तो वहाँ से हम लोग को पता चलता है कि उस रॉक में आपका कितना लोड बियरिंग कैपेसिटी है, या फिर आप लोग सिंपली कह लो कि जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं ना, सपोज़ ये हमारा सरफेस है और यहाँ से हम लोग ने ड्रिलिंग किया, तो यहाँ पे जो भी हम लोग ने ड्रिलिंग किया वो हो सकता है रॉक में करें या फिर सॉइल में करें, तो
जहाँ भी करें उसे कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं ना, तो ड्रिलिंग करते समय ही हम लोग क्या करते हैं कि उस रॉक का हम लोग कोर निकाल लेते हैं। जिस सपोज़ ये हमारा बड़ा सा रॉक है और इसमें हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो ड्रिलिंग करते करते जब हम लोग नीचे प्रोसीड करते हैं तो उसी में आपका कोर बैरल लगा होता है। ड्रिलिंग जो बीट होता है ना, ड्रिलिंग बीट के ऊपर में आपका एक कोर बैरल होता है। वो कोर बैरल क्या करता है, तो एक डिवाइस है जो आपका कोर को कलेक्ट करके रखता है। सिंपली जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो उसके ड्रिलिंग बीट से के ऊपर में आपका कोर बैरल होता है, तो उसमें आपका कोर, ये जो रॉक का पीसेस है, आप लोग सिंपली यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कोर होता क्या है। तो कोर क्या है, रॉक का ही एक आपका लो कि पीसेस है, उसका कुछ अंश है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उस कोर बैरल में वो ट्रैप्ड हो जाता है, वहाँ पे फंस जाता है, और उस कोर बैरल को हम लोग फर्दर सरफेस में निकाल लेते हैं। और वहाँ पे हम लोग फिर क्या करते हैं कि उस कोर का हम लोग फर्दर लैब में उसका स्टडी करते हैं। और जब हम लोग स्टडी करते हैं उस कोर को, तो हम लोग को पता चलता है कि अच्छा, उस रॉक में इतना लोड बियरिंग कैपेसिटी है। तो फिर हम लोग उसी के हिसाब से क्या करते हैं कि हमारा जो फर्दर ऑपरेशन है, जैसे सपोज़ हम लोग को वाइंडिंग लगाना, तो वाइंडिंग सिस्टम जो हम लोग लगाएंगे तो उसके लिए तो हैवी आपका जो भी ग्राउंड स्ट्रक्चर है, वो आपका लोड कैपेसिटी उसका अच्छा होना चाहिए, ताकि जो भी हम लोग हेड गियर का पूरा फ्रेमवर्क लगाएंगे तो वह एक हैवी इम्पैक्ट डालेगा। तो अगर आपका जो सॉयल है वो आपका नॉर्मल कंडीशन में होगा, यानी कि वो ज़्यादा आपका हार्ड नहीं होगा और उसमें फ्रैबिलिटी ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, जो हम लोग स्ट्रक्चर लगाएंगे वो आपका कोलैप्स कर जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग को पता करना पड़ता है। बेसिकली हम लोग ड्रिलिंग करते हैं ना, तो हम लोग बेसिकली ये ही मोटिव रहता है कि हम लोग उस रॉक का जहाँ पे हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं वहाँ का हम लोग कोर को निकाल लें और उस कोर का स्टडी करें। तो फिर हम लोग को पता चलेगा कि वहाँ पे उस सॉइल का क्या लोड बियरिंग कैपेसिटी है, क्या उसका डेप्थ है, क्या उसका थिकनेस है, ये सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है आपका टू नो द थ्रो ऑफ फॉल्ट। दोस्तों क्या होता है कि ये जो फॉल्ट है वो आपका जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस है। तो क्या होता है कि जब हम लोग माइंस चला रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कहीं फॉल्ट मिल जाए, तो इसको बारे में आपको पता चलना चाहिए कि आपका अप थ्रो फॉल्ट है कि डाउन थ्रो फॉल्ट है। तो इसके बारे में आपको कहाँ से पता चलेगा, तो वो भी आपको ड्रिलिंग से ही पता चलेगा। रहा बात फॉल्ट क्या होता है, इसको मैं आपको सेपरेट वीडियोस में कवर करूँगा और वहाँ पे हम लोग फॉल्ट के बारे में देखेंगे सारा चीज़। नेक्स्ट है आपका टू ड्रेन ऑफ गैस और वाटर फ्रॉम ओल्ड वर्किंग। दोस्तों जब भी हम लोग ओल्ड वर्किंग का बात कर रहे हैं, यानी कि अंडरग्राउंड माइंस का बात कर रहे हैं, तो जहाँ से भी हम लोग को आपका गैस या फिर पानी निकालना है, तो उसके लिए भी हम लोग को ड्रिलिंग करना की आवश्यकता होती है। इसी ड्रिलिंग जो होल है उसके द्वारा आपका हम लोग क्या करते हैं कि गैस पाइप या फिर वाटर पाइप फिट कर देते हैं उस होल में, और वहाँ से हम लोग अपना पंपिंग कर सकते हैं। तो इसका भी एक पर्पस है। नेक्स्ट है आपका टू कैरी इलेक्ट्रिक केबल सिग्नल वायर वाटर पाइप एक्सेट्रा टू द अंडरग्राउंड फ्रॉम सरफेस। दोस्तों सपोज ये हमारा अंडरग्राउंड का वर्किंग है, ठीक ना, तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमको बिजली भेजना है। सपोज ये हमारा सरफेस है और यहाँ पे आपका यहाँ तक आपका बिजली आया हुआ है। अब हमको बिजली भेजना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से अगर वायर को लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और इसका लेंथ भी वायर का ज़्यादा होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सरफेस में ही एक होल लगा दिए और होल से हम लोग डायरेक्ट इस जगह पे आपका जो भी केबल्स वायर हो गया या सिग्नल वायर हो गया या वाटर पाइप हो गया, इन सभी चीज़ों को हम लोग भेज सकते हैं उस होल के माध्यम से। तो ये भी एक आपका पर्पस हो गया कि टू कैरी इलेक्ट्रिक केबल सिग्नल वायर वाटर पाइप एक्सेट्रा टू द अंडरग्राउंड फ्रॉम सरफेस। नेक्स्ट है आपका टू हैव ट्यूब वेल्स फॉर वाटर सप्लाई। दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझो कि जैसे हम लोग अपने घरों में ट्यूब वेल्स लगाते हैं, यानी कि जो हैंडपम्प्स होता है
वो हम लोग किस लिए लगाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या होता है कि ड्रिलिंग हो करते हैं, उसके बाद हम लोग ट्यूबवेल्स लगाते हैं ताकि हम लोग वाटर सप्लाई कर सकें। उसी तरह से जब भी हम लोग माइंस में अगर हमारा वर्किंग चल रहा है तो वहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि वाटर परकुलेशन आपका होता रहता है, तो वाटर आपका जो माइंस के अंदर में एक जगह पे कलेक्ट हो रहा है उसको हम लोग को बाहर सरफेस में तो लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को पंपिंग करना पड़ता है। तो पंपिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको ड्रिलिंग करना पड़ेगा, ड्रिलिंग करके आप लोग वाटर पाइप को बिछाओगे तभी ना जाके आपका इस वाटर पाइप से आपका जो वाटर है डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि टू हैव ट्यूबवेल्स फॉर वाटर सप्लाई, यानी कि पानी सप्लाई करने के लिए जो हम लोग ट्यूबवेल्स हैं उसको लगाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ड्रिलिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि ड्रिलिंग हम लोग अंडरग्राउंड या फिर ओपन कास्ट माइंस में इसलिए करते हैं ताकि हम लोग ब्लास्टिंग करके हमारा जो फ्रेगमेंटेड रॉक है या फिर कोल है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट कर सकें। तो ये है आपका यहाँ पे लिखा गया, टू ब्लास्ट रॉक मिनरल इन अ मैकेनाइज्ड क्वेरी वेयर होल्स ऑफ 9 to 18 meter डेप्थ एंड 125 mm to 300 mm इन डाया मे बी ड्रिल। दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली बात किया गया है ओपन कास्ट माइंस का, जिसमें कि बोल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि ड्रिलिंग करते हैं आपका 9 to 18 meter डेप्थ की ओर, और आपका जो ड्रिलिंग डाया है वो आपका 125 से 300 mm तक का हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं कि ब्लास्टिंग मेनली हम लोग यहाँ पे ब्लास्टिंग करने का काम करते हैं ओपन कास्ट माइंस। तो ब्लास्टिंग हम लोग जो कर रहे हैं ना, तो ब्लास्टिंग से पहले हम लोग को ड्रिलिंग करना पड़ता है होल को। तो होल को जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो यहाँ पे आपका एक डाटा दिया गया कि इतना मीटर डेप्थ तक हम लोग करते हैं और इतना आपका डाया रखते हैं ड्रिल होल का। तो ये है आपका चीज़, आपको सिंपली यहाँ पे समझना है कि ओपन कास्ट का बात करें या अंडरग्राउंड माइंस का बात करें, दोनों के कंडीशन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ड्रिलिंग करना पड़ेगा। ड्रिलिंग करेंगे तभी जाके हमारा जो ब्लास्टिंग ऑपरेशन है वो हो पाएगा। तो पर्पज़ ऑफ ड्रिलिंग में ये भी पॉइंट एक आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, फॉर फ्लशिंग ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन व्हेन अंडरग्राउंड फायर इज़ टू बी हैंडल्ड। दोस्तों कई सारे आप लोग देखे होंगे कि अंडरग्राउंड माइंस में क्या होता है कि उसमें अंडरग्राउंड माइंस में अंदर में आग लग जाता है, तो उस आग को बुझाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं ना कि सरफेस से आपको एक होल कर देंगे और उस होल में हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन को फ्लशिंग करेंगे। तो वो नाइट्रोजन क्या है, एक आपका लेस रिएक्टेंट, वो रिएक्ट नहीं करता है, तो वो क्या करेगा कि आपका जो आग है उस पर वो काबू पा लेगा। सपोज़ ये हमारा वर्किंग है, सपोज़ ये हमारा वर्किंग है, तो आपका क्या करते हैं कि हम लोग सरफेस से ही एक ड्रिलिंग करते हैं और यहाँ पे आपका सपोज़ पूरा आग लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिंपली एक होल किए, जगह जगह पे हम लोग होल कर देंगे और इसी होल में हम लोग क्या करेंगे कि नाइट्रोजन फ्लशिंग करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि इस आग पर हम लोग काबू पा सकते हैं। यहाँ तक आप लोग समझे। नेक्स्ट है आपका, फॉर वेंटिलेशन ऑफ अंडरग्राउंड वर्किंग। दोस्तों हम लोग अंडरग्राउंड वर्किंग के लिए भी जो वेंटिलेशन जब करते हैं तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे ड्रिलिंग करने का काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, टू रेंडर पॉसिबल द इंजेक्शन ऑफ सीमेंट इनटू द स्ट्राटा इन अ मेथड ऑफ सॉफ्ट सिंकिंग नोन एज सीमेंटेशन मेथड ऑफ सॉफ्ट सिंकिंग। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था कि स्पेशल मेथड ऑफ सॉफ्ट सिंकिंग में हम लोगों ने देखा था एक आपका सीमेंटेशन मेथड, जिसमें कि हम लोग क्या करते थे कि सपोज़ यहाँ पे हम लोग को आपका साफ्ट का निर्माण करना होता है, तो अब इसी के जस्ट बगल में हम लोग क्या करते हैं कि होल लगाते हैं, इस होल में हम लोग क्या करते थे तो सीमेंट डालते थे। सीमेंट इसलिए डालते थे क्योंकि जहाँ पे हम लोग इस साफ्ट को जहाँ पे संक कर रहे हैं वहाँ पे हो सकता है कि पानी आपका बहुत वाटर बियरिंग स्टार्टा हो, तो वाटर बियरिंग स्टार्टा होने के कारण इसका जो साइड से वो कोलैप्स हो सकता है, तो इसी के बचाव के लिए हम लोग क्या करते थे तो इसके बगल में हम लोग ड्रिलिंग करते थे और इस ड्रिलिंग करने के बाद हम लोग इसमें सीमेंट इजेक्ट कर देते थे ताकि यहाँ का जो भी वाटर है वो इस वर्किंग में यहाँ पे ना आ सके, तो उसके लिए भी हम लोग ड्रिलिंग करते हैं। तो ये सभी चीज़ें है वो आपका पर्पस ऑफ ड्रिलिंग के अंदर आती है।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि मेथड्स ऑफ ड्रिलिंग में आपका क्या क्या होता है, तो इसको हम लोग समझ, ड्रिलिंग करने का बेसिकली दो मेथड्स होता है, एक होता है आपका परकसिव ड्रिलिंग और दूसरा होता है आपका रोटरी ड्रिलिंग। दोस्तों हम लोग समझते हैं कि परकसिव ड्रिलिंग होता क्या है। ये एक ऐसा मेथड्स है जिसको कि हम लोग पुराने ज़माने में यूज़ किया करते थे। इस ड्रिलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली एक ड्रिल रोड लिया करते थे और इस ड्रिल रोड के जो बॉटम सेक्शन है ना, वहाँ पे हम लोग एक चीजल टाइप का टूल को हम लोग इसमें लगा देते थे कुछ इस प्रकार से, जो बीच में आपका शार्प हुआ करता था। इससे हम लोग क्या करते हैं कि सपोज़ कोई भी एक रॉक है, सपोज़ ये हमारा रॉक है, इस रॉक में हम लोग को ड्रिलिंग करना, होल लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ड्रिल रोड है और जिस ड्रिल रोड के नीचे में आपका चीजल टाइप का टूल लगा है जो आपका शार्प है, इसको क्या करेंगे कि बार बार इस रॉक में हम लोग स्ट्राइक करवाएंगे। अब स्ट्राइक से क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ये रॉक टूटेगा, और टूटेगा कैसे, तो वो होल शेप में टूटेगा और वह होल होता हुआ उस रॉक में चलता हुआ जाएगा। यानी कि हम लोग ने देखा कि परकसिव ड्रिलिंग में हम लोग क्या करें कि सिंपली हम लोग स्ट्राइक करवा रहे हैं, सिंपली हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक करवा रहे हैं। जैसा कि आप लोग, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अगर हम लोग को कोई भी नेल को अगर हम लोग को दीवार में घुसाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक नेल को ले लेते हैं और उसको हम लोग हैमरिंग कर करके बार बार उस नेल में हैमरिंग करते हैं तो वो दीवार में धंसता हुआ चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे भी हम लोग को होल करना होता है ना, सपोज़ ये हमारा कोई सरफेस है, अब इस सरफेस के नीचे में हम लोग को होल करना है, तो हम लोग ने क्या किया कि ड्रिल रोड लिया और ड्रिल रोड को बार बार इस जगह पे हम लोग को इस हैमरिंग करवा रहे हैं, हैमरिंग कह लो या फिर आप लोग कह लो सिंपली स्ट्राइकिंग। तो बार बार जब हम लोग इसी जगह पे स्ट्राइकिंग करवाएंगे ड्रिल रोड से, तो वहाँ पे आपका होल होता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे परकसिव ड्रिलिंग करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है? नेक्स्ट है आपका रोटरी ड्रिलिंग। दोस्तों रोटरी ड्रिलिंग, जैसा कि आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है, रोटरी यानी कि इसमें आपका घुमाव होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा सिंपली ड्रिल रोड है ना, जिस ड्रिल रोड के नीचे में आपका चीजल टाइप का टूल लगा है, तो ये जो टूल है वो उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये जो ड्रिल रोड है उसको हम लोग रोटेट करवाएंगे। अब रोटेट जब से करवाएंगे तो क्या होगा कि ये रॉक या फिर जहाँ पे भी हम लोग ड्रिलिंग करना वाले हैं तो उसको वो ड्रिलिंग करता हुआ नीचे चला जाएगा इस प्रकार से। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग ने देखा कि जो परकसिव ड्रिलिंग है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बार बार स्ट्राइक करवा रहे हैं, और रोटरी ड्रिलिंग में क्या कर रहे हैं, तो जो हमारा ड्रिल रोड है उसको हम लोग बार बार रोटेट करवा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं कि परकसिव ड्रिलिंग को हम लोग कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो परकसिव ड्रिलिंग को हम लोग फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका ड्रिलिंग बाय रिजिड रॉड और दूसरा होता है रॉप ड्रिलिंग और केबल ड्रिलिंग या फिर आपको लोग कह लो चर्न ड्रिलिंग। तीनों का नाम अलग अलग, लेकिन इनका जो काम है वो एक ही है। सिंपली आप लोग को समझो कि ड्रिलिंग बाय रिजिड रॉड होता क्या है, और फिर आप लोग समझ लो कि रॉप ड्रिलिंग या फिर चर्न ड्रिलिंग होता क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो रोटरी ड्रिलिंग को भी फर्दर फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है ड्रिलिंग बाय सॉ टूथेड कटर, दूसरा होता है ड्रिलिंग बाय ट्राइकोन रॉक रोलर बीट, तीसरा होता है ड्रिलिंग बाय डायमंड ड्रिल बीट, और चौथा होता है ड्रिलिंग बाय स्टील्ड शॉट। हम लोग एक एक करके इन सारे मेथड्स को यहाँ पे समझते हैं। हम लोग थोड़ा सा इस फिगर को समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा होगा कि ये जो आपका लंबा सा जो है ना, उसको हम लोग ड्रिल रोड कहते हैं, और ये जो ड्रिल रोड के नीचे में आप लोग क्या देख रहे हो, तो आपका एक कटिंग टूल लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है, तो बेसिकली आप लोग देखने से ही लग रहा है कि ये जो मशीन है ना, वो बेसिकली क्या करता होगा कि रोटेटरी मोशन करता होगा। ये जो ड्रिल रोड है ना, वो आपका सिंपली रोटेट करता होगा, रोटरी मोशन करता होगा। तो इस प्रकार से हम लोग रोटरी ड्रिलिंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे परकसिव ड्रिलिंग को दिखाया गया। सिंपली यहाँ पे आप लोग देखो तो क्या है कि एक हमारा ये आपका सपोज़ ये हमारा ड्रिल रोड है, और इस ड्रिल रोड के नीचे में आपका क्या है, तो कटिंग टूल लगा होता है। ये कटिंग टूल क्या कर रहे हैं हम लोग बार बार,
तो यहाँ पे आप लोग देखो तो ये जो ड्रिल रोड है उसको हम लोगों ने क्या किया कि एक रस्सी से इसको हम लोग ने कनेक्ट कर दिया। जिस रस्सी से हम लोग ने कनेक्ट किया वो आपका कहाँ से आकर के फंस रहा है, तो एक विंच नाम करके एक डिवाइस है जिससे कि ये अटैच है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि बार बार इस रोड को, ये जो ड्रिल रोड है उसको बार बार उठा रहे हैं। जब हम लोग इस रस्सा को खींचेंगे तो क्या होगा कि ये उठेगा, अपलिफ्ट होगा, और जब हम लोग इसको छोड़ेंगे तो यह ज़मीन में धंसेगा, और धंसेगा तो यहाँ पे इस ड्रिल रोड में क्या है, तो ड्रिल कटिंग टूल लगा है, जिस कटिंग टूल के हेल्प से क्या होगा कि गड्ढा होता हुआ चला जाएगा। ये है आपका परकसिव ड्रिलिंग है। सिंपली आपको देखना है कि परकसिव ड्रिलिंग में हो क्या रहा है, तो सिंपली इसमें स्ट्राइक हो रहा है, और रोटरी ड्रिलिंग में सिंपली रोटेट कर रहे हैं हम लोग ड्रिल रोड को। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे इस फिगर में आपको ड्रिल बीट को दिखाया गया है कि ड्रिल बीट होता क्या है। देखिए यहाँ पे आपको यह आपका ट्राइकोन रॉक रोलर बीट है, यानी कि इसका तीन गो कोना है, इसलिए इसका नाम ट्राइकोन रॉक रोलर बीट पड़ा है। ये कुछ इस तरह से आपका ड्रिल बीट होता है, और ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये आपका सिंपली ड्रिलिंग रोड है। इसी ड्रिलिंग रोड में आपका क्या होता है कि ये जो सेक्शन है ना, ये नीचे वाला सेक्शन, वो इस ड्रिल रोड में आपका फिट हो जाता है, समझे ना, यहाँ पे फिट हो जाता है। सिंपली ये आपका मेल स्क्रू फेस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि मेल स्क्रू, और इसके इधर साइड में, अपोजिट साइड में क्या होता है आपका फीमेल स्क्रू होता है। मैं आपको इसके नेक्स्ट स्लाइड में इसको दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। सिंपली यहाँ पे आप लोग ये देखो कि सिंपली क्या होता है कि एक हमारा जो ड्रिल रोड होता है ना, उसका एक स्पेसिफिक लेंथ होता है। सपोज़ ये हमारा 3 मीटर का लेंथ का हमको ड्रिलिंग रोड मिलता है, तो ये जो 3 मीटर का ड्रिल रोड हमको मिल रहा है, अब हमको ड्रिलिंग करना है 30 मीटर का, तो सिंपली एक ड्रिल रोड से तो हम लोग होल कर नहीं पाएंगे। तो इस होल में क्या करेंगे, ये जो हमारा ड्रिल रोड है उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि दूसरा ड्रिल रोड को अटैच करना पड़ेगा। तो इसी जो ड्रिल रोड है यहाँ पे आप लोग देखो, तो ये आपका सिंपली ड्रिल रोड है। यहाँ पे एक होता है आपका मेल स्क्रू और दूसरा होता है फीमेल स्क्रू। ये जो देख रहे हो ना, जिसके अंदर में आपका थ्रेडिंग किया गया है, इसको हम लोग फीमेल स्क्रू कहते हैं, और ये जो पार्ट है वो आपका मेल स्क्रू होता है। ये जो ड्रिल रोड है ना, वो क्या होगा कि इस फीमेल स्क्रू के अंदर में जाके अटैच होगा और हम लोग कपलिंग कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एक रोड से दूसरा रोड को हम लोग जोड़ देते हैं, और जहाँ तक हम लोग को डिज़ायर रिक्वायरमेंट होता है कि कितना डेप्थ तक हम लोग को गड्ढा करना है, तो उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग ड्रिल रोड को अटैच करते हुए जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं कि परकसिव ड्रिलिंग को, फिर हम लोग देख लेते हैं एक एक करके कि यहाँ पे कौन सा चीज़ के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज़ द ओल्डेस्ट वन ऑफ ड्रिलिंग मेथड। ये दोस्तों आपका एक ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ड्रिलिंग है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि द होल इज ड्रिल्ड बाय स्ट्राइकिंग अ नंबर एट अ शॉर्ट इंटरवल ऑन द रॉक बाय अ चीजल टाइप टूल। मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसमें आपका स्ट्राइकिंग करते हैं, और स्ट्राइकिंग क्या कर रहे हैं, तो जो हमारा ड्रिल रोड है उस ड्रिल रोड के नीचे में आपका एक कटिंग टूल होता है, जिसको हम लोग चीजल टाइप टूल कहते हैं, वो लगा होता है, और वो उसकी के माध्यम से क्या होता है कि बार बार आपका जब हम लोग ज़मीन में उसको स्ट्राइक करवाते हैं तो वो गड्ढा करता हुआ चला जाता है। यहाँ नेक्स्ट लिखा गया है कि द रॉक इज चिप्ड अवे विथ ईच ब्लोस एंड अ सर्कुलर होल इज फाउंड। दोस्तों जब ये बार बार आपका रॉक में पड़ेगा तो क्या करेगा कि रॉक को वो चिप्ड तोड़ता हुआ वो जाएगा। दोस्तों जब तोड़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका कटिंग जो पीसेस है वो भी निकलेगा। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग स्ट्राइकिंग करते हैं ना, बार बार स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, तो सिंपली इसको हम लोग हल्का सा ट्विस्ट भी कर देते हैं, ताकि ये जो है ना वो आपका सिंपली स्ट्राइक से के साथ साथ आपका थोड़ा सा रोटेट हो जाए। तो रोटेट जब होगा ना, तो जो भी ड्रिल कटिंग जो ड्रिल पीसेस है वो आपका ऊपर आ जाता है सिंपली। तो यहाँ पे लिखा गया कि द रॉक इज चिप्ड अवे विथ ईच ब्लोस एंड अ सर्कुलर होल इज फॉर्म। ये सर्कुलर होल कैसे फॉर्म होगा? तो जाहिर सी आप लोग भी सोचो कि जो हमारा ड्रिल रोड को अगर हम लोग सिंपली इसको पटकेंगे बार बार, तो वो आपका
होलो जो सर्कुलर होल है वो आपका नहीं हो पाएगा, उसके लिए हल्का सा उंगलों को ट्विस्ट करना पड़ता है, तब जाके आपका जो होल सर्कल में हो पाता है। तो नेक्स्ट में लिखा गया कि ड्यूरिंग ड्रिलिंग द चीजल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्फेस बाय रॉड और वायर रॉप एंड द वेट ऑफ द चीजल रॉड एक्सेट्रा इज यूटिलाइज टू गिविंग द स्ट्राइक फोर्स। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली कह दिया गया है कि ये जो हमारा ड्रिल रॉड है ना, उसको हम लोग या तो आपका वायर रॉप से इसको कनेक्ट कर देंगे, और इसमें अगर हम लोग ड्रिल रॉड को का जो वेट है अगर इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या करेगा कि ये जो स्ट्राइक का जो फोर्स लगाएगा रॉक पे वो इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये अगर हमारा ड्रिल रॉड हैवी वेट का होगा तो इसमें ज़्यादा वो स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइकिंग फोर्स इसमें ज़्यादा लगेगा और वो ज़्यादा जल्दी होल को ड्रिल करेगा। बेसिकली कहने का मतलब यही है। अब हम लोग बात करते हैं ड्रिलिंग बाय रिजिड रॉड। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग परकसिव ड्रिलिंग में बेसिकली कर रहे हैं तो स्ट्राइकिंग कर रहे हैं। अब स्ट्राइकिंग जो हम लोग कर रहे हैं हो सकता है वो हमारा जो ड्रिल रॉड है उसको हम लोग किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको बेसिकली इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक मैंने आपको बताया ड्रिलिंग बाय रिजिड रॉड और दूसरा मैंने क्या बताया तो आपको केबल ड्रिलिंग या फिर चन ड्रिलिंग या फिर आप लोग कह लो रॉप ड्रिलिंग। तो ये जो ड्रिलिंग बाय रिजिड रॉड है ना, इसमें बेसिकली कुछ है नहीं, ये सिंपली हम लोग एक रॉड लेते हैं और इसी रॉड के नीचे में आपका जो कटिंग टूल है वो लगा होता है। सिंपली यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया बस वैसा ही है। इसमें क्या है कि जो रॉड है ना वो आपका निकल क्रोमियम या फिर कार्बन स्टील का बना होता है और ईच रॉड हैज़ अ मेल स्क्रू एट वन एंड एंड फीमेल स्क्रू एट अदर एंड। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि सब ये आपका ड्रिल रॉड है, ये आपका क्या है तो ड्रिल रॉड है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये जो अंदर वाला पार्ट है थ्रेडेड वाला जो पार्ट है इसको हम लोग फीमेल स्क्रू कहते हैं और ये जो निकला हुआ पार्ट है इसको हम लोग मेल स्क्रू कहते हैं। ये क्या करता है कि जब हम लोग को अगर हम लोग को ज़्यादा डेप्थ में होल करना है होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ड्रिल रॉड से अलग अलग ड्रिल रॉड को कनेक्ट करते हैं। तो जब कनेक्ट करेंगे तो सिंपली इसका एक सिरा आपका इस सेक्शन में आके घुस जाता है और वह आपका कनेक्ट हो जाता है। तो सिंपली कहने का मतलब यही है कि एक सिरा आपका जो ड्रिल रॉड का होगा वो मेल स्क्रू होगा और दूसरा सिरा जो होगा वो आपका फीमेल स्क्रू होगा। सिंपली यहाँ कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट लिखा गया कि स्टील रॉड आर यूजुअली इन लेंथ ऑफ 3 मीटर विथ नियरली 38 mm इंटू 30 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। यहाँ की कहने का मतलब है कि ये जो हमारा ड्रिल रॉड यूज़ हम लोग करेंगे उसका जो लेंथ है वो आपका 3 मीटर का होगा और उसका जो क्रॉस सेक्शन है ना वो आपका 38 mm इंटू 38 mm का होगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है आपका द ड्रिलिंग टूल यूज वेरीज ग्रेटली इन शेप एंड कटिंग एजेस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ग्राउंड टू पेनिट्रेट। यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो हमारा ड्रिलिंग टूल होगा ना उसको हम लोग अलग अलग शेप में जैसा कि हमारा रिक्वायरमेंट होगा, सपोज़ ये हमारा कोई भी सरफेस है, ये हमारा हार्ड रॉक है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग को ड्रिलिंग करना है तो उसके लिए हम लोग को जो ड्रिल बीट हम लोग यूज करेंगे उसका कैपेसिटी भी वो अच्छा खासा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी जाके इस जो हार्ड रॉक है उसमें वो ड्रिलिंग कर पाएगा। तो कैसा कंडीशन है आपका ग्राउंड में उस तरह से हम लोग ड्रिलिंग टूल का यूटिलाइज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आता है ड्रिलिंग बाय रिजिड रॉड, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसके लिए आपको दिखाया गया कि कहाँ पे कैसा आपका सरफेस स्ट्रक्चर होगा, कैसा आपका सोयल होगा, जहाँ पे हम लोग किस तरह का ड्रिल बीट का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप लोग सिंपली कह लो कि वहाँ पे कैसा हम लोग ड्रिलिंग कटिंग का इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में लिखा गया है। यहाँ पे कह रहा है कि फोर सॉफ्ट सरफेस डिपोजिट विच कंसिस्ट ऑफ एल्वोलियम, यानी कि जो हमारा टॉप सॉइल है जो आपका एक तरह से सॉफ्ट सॉइल होता है उसमें हम लोग क्ले ओगर या फिर वर्न ओगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि क्ले ओगर क्या है, वर्न ओगर क्या है, तो मैं आपको इसका फिगर दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको क्ले ओगर दिख रहा है और
बी फिगर में आपका वर्न ऑगर है। ये आपको एक तरह से आपका रोटरी ड्रिलिंग को दिखाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इस फिगर को, तो यहाँ पे आपको देख करके ही पता चल रहा है कि ये जो टूल है ना वो आपका सिंपली रोटरी मोशन करेगा रादर देन परकसिव मोशन। यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, दीज आर गिवन अ रोटरी रादर देन अ परकसिव मोशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, द स्ट्रेट चीजर इज कॉमनली यूज फॉर हार्ड स्टार्टर। जो आपका स्ट्रेट टाइप का जो चीजर है ना वो आपका हार्ड स्टार्टर में हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, और जो आपका भी चीजर और टी चीजर है ना वो आपका वेरी हार्ड स्टार्टर में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आता है कि कैसे आपका स्ट्रेट चीजर दिखता है, या फिर आप लोग कह लो कि आपका भी चीजल या फिर टी चीजल देखता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ये फिगर में आपको सिंपली आपका स्ट्रेट चीजल को दिखाया गया है, और इस फिगर में आपका भी चीजल है जिसका कि जो बॉटम पोर्शन है उसमें आपका भी टाइप का शेप बना है, और नेक्स्ट है आपका टी चीजल, वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे कि हमारा जो वेरी हार्ड स्टार्टर होगा ना वहाँ पे हम लोग वी टाइप का चीजल और टी टाइप का चीजल का इस्तेमाल करेंगे, और जो स्टार्टा हार्ड है सिंपली वहाँ पे हम लोग स्ट्रेट टाइप का चीजल का इस्तेमाल करेंगे। सिंपली यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है आपका एवी टाइप ऑफ ड्रिलिंग रिक्वायर्स अ डे रिग विच मे कंसिस्ट ऑफ 3 or 4 लेग एंड मे बी ऑफ वुड और टेबलेट्स स्टील। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको ये जो फिगर है ना वो आपका ओल्ड टाइप का ड्रिलिंग को दिखाया गया है। यहाँ पे आप लोग सिंपली देखो तो हमारे जो पूर्वज यूज़ करते थे जिस तरह का ड्रिलिंग वहाँ पे आपको फिगर में भी शो हो रहा होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिंपली लकड़ी का जो डंडा है इसको हम लोग ने यहाँ पे लगा दिया, और इसी डंडे के बीचों बीच में हम लोग ने क्या किया है कि एक आपका रस्सा से हम लोग क्या किए हैं कि एक ड्रिल रॉड को कनेक्ट कर दिए, और ड्रिल रॉड के नीचे में आपका क्या है तो कटिंग टूल है। अब इसी रस्सा को हम लोग क्या करें कि एक पुली से कनेक्ट कर दिए, और यहाँ से कुछ आदमी आपको दिख रहा होगा फिगर में जो इसको इस रस्सा को टान रहा है और बार बार इसको छोड़ रहा, तो क्या कर जिसके कारण आपको जो ये ड्रिल रॉड है वो बार बार ज़मीन में स्ट्राइक कर रहा है। तो ये सिंपली मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी हम लोग परकसिव टाइप का ड्रिलिंग करते थे तो वहाँ पे हम लोग को एक डायरिक का इस्तेमाल करते हैं। जो डायरिक आपका क्या है तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये आपका 2 leg का डायरिक, सॉरी यहाँ पे 3 leg का आपको डायरिक दिख रहा है, इसी को हम लोग डायरिक कहते हैं कि जहाँ पे भी हम लोग को ड्रिलिंग करना पड़ता है ना वहाँ पे हम लोग एक डायरिक का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली वो आपका 3 leg का होगा या 4 leg का होगा, या फिर वो आपका लकड़ी का बना होगा या फिर स्टील का बना होगा, ये डिपेंड करता है। इट इज़ यूज चीफली फॉर लिफ्टिंग द रॉड फ्रॉम द होल विद द एड ऑफ ड्रिलिंग अ विंच। सिंपली ये जो डेरिक है ना वो क्या कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी की हेल्प से हमारा जो ड्रिल रॉड होता है उसको हम लोग लिफ्टिंग करने का काम करते हैं। तो आपको सिंपली अगर पूछा जाए कि डेरिक क्या होता है तो आप लोग सिंपली कहो कि यह एक आपका 3 or 4 leg का स्ट्रक्चर होता है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ड्रिल रॉड होता है उसको हम लोग लिफ्टिंग करने का काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस फिगर में तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पोर्शन है ना इसी को हम लोग डेरिक कहते हैं। यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं कि हम लोग ये जो ड्रिल रॉड है बार बार हम लोग को ड्रिल रॉड लगाना पड़ेगा और बार बार ड्रिल रॉड को निकालना पड़ेगा। सिंपली जब जैसा जैसे हम लोग को गड्ढा करते जाएंगे तो बार बार इसमें हम लोग ड्रिल रॉड को इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर जब हम लोग को ड्रिलिंग हो जाएगा तो बार बार उस ड्रिल रॉड को निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म के जैसा तो होना चाहिए जिसके हेल्प से हम लोग क्या करें तो ड्रिल रॉड को निकाल सकें। तो उसी प्लेटफॉर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर डायरिक कर रहे हैं। यहाँ पर इस फिगर में इस तरह से आपको दिखाया गया है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं रॉब ड्रिलिंग या फिर आप लोग कह लो केवल ड्रिलिंग होता क्या है। जैसा कि आप लोग ने समझा कि परकसिव ड्रिलिंग में जो हम लोग ने देखा कि ड्रिलिंग बाय रिजिड रड, वहाँ पे हम लोग ड्रिलिंग कर रहे थे वो किससे कर रहे थे, तो वो आपका एक रिजिड रड था। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग एक केबल का इस्तेमाल करेंगे। ये जो रॉड है यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस यही है कि
कि रोप ड्रिलिंग में हम लोग सिंपली रोप का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या होगा कि एक रोप होगा, यहाँ पे मैं आपको फिगर बना दूँ तो कुछ इस प्रकार से एक रोप होगा। इसी रोप के नीचे में क्या होगा तो कटिंग टूल हम लोग लगा देते हैं। इसमें क्या करते हैं कि कटिंग टूल लगा देते हैं। अब इसी रोप को बार बार हम लोग जैसे जैसे ज़मीन में स्ट्राइक करवाएंगे तो ये क्या करेगा कि हमारा जो ड्रिलिंग है वो होता हुआ चला जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स लिखा गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों ये जो आपका रॉप ड्रिलिंग है ना, वो आपका सेम टू सेम आपका जो ड्रिलिंग बाय रिजिड रड है उसी के जैसा है। बस सिंपली इसमें डिफरेंस यही है कि वहाँ पे हम लोग ड्रिलिंग रड का इस्तेमाल करते थे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि रोप का इस्तेमाल करेंगे और रोप के नीचे में हम लोग कटिंग टूल लगा देंगे। सिंपली यहाँ पे यही है। दोस्तों ये जो आप लोग ने देखा कि परकसिव जो ड्रिलिंग है वो हम लोग ज़्यादा डेप्थ तक नहीं कर पाते क्योंकि इसमें सिंपली हम लोग को स्ट्राइकिंग करवाना होता है। तो स्ट्राइकिंग के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा डेप्थ तक इसका करवाना पॉसिबल नहीं होता है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग बात करें कि परकसिव ड्रिलिंग है वो आपका सिंपली 30 मीटर होल तक ही हम लोग कर पाते, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे लिखा गया कि इन दिस मेथड द रिजिड रॉड आर रिप्लेस्ड बाय स्टील वायर रॉप टू विच ड्रिलिंग टूल इज अटैच। जैसा कि मैंने आपको बताया द सर्फेस अरेंजमेंट इज प्रैक्टिकली द सेम एज फॉर ड्रिलिंग विथ रड। जो हम लोग ड्रिलिंग विथ रिजिड रड का इस्तेमाल कर रहे थे सेम टू सेम यहाँ पे भी इसका सरफेस अरेंजमेंट होगा और वहाँ पे सेम वर्किंग होगा। केबल ड्रिलिंग को हम लोग किसके नाम से जानते हैं तो चर्न ड्रिलिंग के नाम से जानते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि केबल ड्रिलिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो सिंपली आपको कहना है कि चर्न ड्रिलिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग रोटेट नहीं करवाते हैं। वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे कि जो ड्रिलिंग बाय रिजिड रड है उसमें हम लोग क्या करते थे कि थोड़ा सा स्लाइटली रोटेट करवाते थे। जब हमारा ये सपोज ये हमारा रॉक है, जब इस पर एक बार स्ट्राइक करते थे तो जब स्ट्राइक हुआ तो उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसमें ट्विस्ट कर देते, थोड़ा सा रोटेट करवाते थे। लेकिन हम लोग इसमें सिंपली जो केबल ड्रिलिंग है ना, या फिर आप लोग कह लो रॉप ड्रिलिंग, उसमें हम लोग इसमें हम लोग इसको रोटेट नहीं करवाएंगे। सिंपली यहाँ पे जो हमारा जो रस्सा होगा ना वो आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आपका ऑटोमेटिक वो रोटेट करता है, समझे नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे आप लोग ये जो सेक्शन है वो भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब बात आता है यहाँ पे, हम लोग देख लेते हैं फिगर को कि किस तरह से आपका जो परकसिव ड्रिलिंग होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, फिगर में आपको दिखाया गया तो यहाँ पे ये आपका सरफेस है, ये आपका क्या है तो सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर में एक फ्रेम तैयार किया गया जिसको कि हम लोग क्या कह रहे थे, डेरिक के नाम से जान रहे थे। डेरिक आपको सिंपली जब आप लोग डीजी देशमुख पढ़ो तो वहाँ पे भी आप लोग को पूछ आपको वर्ड देखने को मिल जाएगा डेरिक। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेरिक। सिंपली ये आपका जो चीज़ है जिसको हम लोग फ्रेम कह रहे हैं उसको हम लोग डेरिक कह रहे हैं। इसी डेरिक की हेल्प से क्या कर रहे हैं कि हमारा जो ये जो ड्रिल रोड है उसको हम लोग अपलिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग सिंपली देखो तो क्या दिख रहा है कि ये जो हमारा ड्रिल रोड है, ड्रिल रोड के नीचे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्रिल रोड और ये ड्रिल बीट है आपका, सिंपली मैं यहाँ पे बीट लिख दे रहा हूँ। तो ये जो हमारा ड्रिल बीट है वो आपका ड्रिल रोड से कनेक्टेड है और ये जो ड्रिल रोड है वो आपका वायर से कनेक्टेड है जो एक पुली से होकर हुए आपका एक विंच तक जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग को स्ट्राइकिंग करवाना होता है तो सिंपली हम लोग इस जो वायर को खींचते हैं, तो खींचेंगे तो जाहिर सी बात है ये ऊपर आएगा। अब जब ऊपर आएगा तो अचानक इसको फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस रोप को छोड़ेंगे तो क्या होगा कि इसका जो एक तरह से आपका हेवी स्ट्रक्चर है, तो हेवी स्ट्रक्चर और हेवी वेट के कारण क्या करेगा कि ये ज़मीन में जैसे ही आपका यहाँ पर पड़ेगा तो वो आपका गड्ढा करता हुआ चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग परकसिव ड्रिलिंग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों अब अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा रोटरी ड्रिलिंग था उसको कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ जो भी हमारा रिमेनिंग
आपका जो सिलेबस में दिया गया टॉपिक्स उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको माइनिंग का किसी भी तरह का नोट्स चाहिए होता है तो आप सिंपली इस नंबर पे आपको मैसेज कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है कि आपको व्हाट्सएप करना है। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।